गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी शैल डिस्कस लेसन नंबर 3 सायोनारा. एंड बिफोर दिस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बिगनिंग पार्ट ऑफ सायोनारा. सो दैट वाज द स्लाइटली एक्सप्लेनेशन about it. But in previous class we have discussed the topic, the chapter number 2 and chapter number 1. I think you should explain it, because through that you can improve yourself in the sector of literature, and you will acquire a lot of experience and knowledge through that. So I mean to say it's too important for all of you. Now we have to discuss sayonara and some questions are given, and the narrator wants to know how often have you parted with a dear one. मतलब कितने बार तुम अपने प्रिय से अलग हुए हो. Did you note the last word what you said in any language? You will have to find out, you will have to think about it. Not satisfied with just the world? Did you support your world with a hug or a take 5 and pair up and share with a friend about the time when you last said goodbye to someone close to you? Very, very interesting things. Whenever you will be parted with a dear one, then at that time you will tell sayonara in Japan. This is the folk language, this is the provincial language of Japan, and sayonara means goodbye to someone. So this is descriptive passage has been taken from North to the Orient, an account of Charles and Annie Lindbergh's trip to the Far East in 1931. In China. Their plane got damaged and they had to travel to Japan by boat. It was happening all of a sudden. Their plane got damaged and they had to travel to Japan by boat. Boat means pani mein chalne wala, लकड़ी का जो है सो जहाज. अक्रॉस जापान बाय ट्रेन एंड देन बाय शिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स. दिस स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ देयर जर्नी अक्रॉस जापान. ये जो स्टोरी है ये उस जर्नी के बारे में है जब जापान से जर्नी शुरू किया गया था. एंड द वर्ल्ड वाइब्रेट्स ऑल अराउंड द ट्रिप सायोनारा. सायोनारा दैट मीन्स गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. द नैरेटर वॉन्ट्स टू कन्विंस यू. आई वॉज इन माई स्टेट रूम बट आई कुड हियर देम. स्टेट रूम मीन्स यदि आप बोट में, शिप में चढ़े होंगे तो देखेंगे कि एक स्पेशल क्लास की रूम होती है जो ऑफिसर रैंक के आदमी के लिए होती है. दैट रूम इज नॉन एज स्टेट रूम बट आई कुड हियर देम. मैं उनको सुन सकता था. द नैरेटर
इज एक्सप्रेसिंग हिज व्यू हर व्यू मैं उसको सुन सकता था आउटसाइड ऑन द डेक ऑफ द जैपनीज बोट। शोर शराबा सियोनारा सियोनारा की आवाज़ें आ रही थी कॉलिंग टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन द डक एट संघाई। मतलब अपने दोस्तों को रिलेटिव्स को वो क्या कहते थे सियोनारा सियोनारा एट ऑन द डक एट संघाई। डक मीन्स द एरियाज वेयर द शिप एंड द बोट बोट्स आर लोडेड और अनलोडेड। दैट प्लेस इज नॉन एज डक एंड दिस इज द स्टोरी रिलेटेड फ्रॉम संघाई। एज वी नो डैट संघाई इज द कैपिटल ऑफ चीन। सयोनारा अप एंड डाउन द गैंग प्लैंक एंड ओवर द रेल्स। गैंग प्लैंक मीन्स कि आप जब कभी बोट पे चढ़ोगे नदी किनारे जाओगे तो आप देखोगे कि जो शिप जो खड़ा है या बोट जो खड़ा है सो बोट की और आपकी जो दूरी है उस बीच में कुछ गैप्स बनते हैं क्योंकि आप जो है सो डायरेक्ट शिप के ऊपर नहीं चढ़ सकते तो उस गैप फिलिंग के लिए जो है सो किसी तरह का एक सपोर्टिंग जो लकड़ी का जो पट्टी वगैरह होता है उसको डाल देते हैं और उस पर से लोग बाग ट्रैवलर वगैरह जाते हैं शिप में चढ़ते हैं। दैट इज दैट काइंड ऑफ प्लेस इज नॉन एज गैंग प्लैंक। जो आपके और बोट के बीच की जो दूरी होती है उसके बारे में बात किया जा रहा है उसी को गैंग प्लैंक कहते हैं। ए बोट लोड ऑफ जैपनीज वॉज लिविंग चाइना फॉर होम एज वी वेयर। जैसे हम लोग जर्नी में थे वैसे उस बोट के ऊपर जापनीज लोग थे। वॉज लिविंग चाइना चाइना को छोड़ रहे थे फॉर होम एज वी वेयर जैसा कि हम लोग थे ठीक उसी तरह से। एंड द साउंड इज वाइब्रेटिंग ऑल अराउंड सयोनारा। द चेन्स क्लैंक्ड एंड द वार्निंग व्हिसल शुक द बोट। चेन्स क्लैंक्स आपने देखा होगा जब शिप या बोट को किनारे में पार्किंग किया जाता है मतलब लगाया जाता है तो उसको किसी न किसी चेन के माध्यम से बांध दिया जाता है। बट व्हेन इट इज रेडी टू कवर द जर्नी टू मेक अ ट्रिप एट द टाइम वार्निंग व्हिसल्स विल बी व्हिसल्ड एंड आफ्टर दैट सुक द बोट और उसके बाद बोट जो है सो चल देती है। द वॉइसेस आउटसाइड रोज इन अ फ्लूरी ऑफ नॉइज। फ्लूरी ऑफ नॉइज मीन्स शोर शराबा होते रहता है बहुत जोरों की शोर शराबा होते रहती है लाइक अ फ्लॉक ऑफ फ्राइटेंड बर्ड्स। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे भयभीत पक्षी जो है सो भयभीत पक्षियों का झुंड जो कि भयभीत है। बट अबव द कॉन्ग्लोमेरेट साउंड देयर वॉज ऑलवेज वन वॉइस। लेकिन उस सभी वॉइस के बीच एक तरह की वॉइस क्रिएट होती थी जो क्लीन एंड शार्प एंड इंडिविजुअल एंड येट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मॉन्स लाइक दैट वन फेस इन द फ्रंट लाइन दैट होल्ड्स द मीनिंग ऑफ द होल क्राउड एंड वन क्राई सयोनारा। कि क्राउड के बीच में भी एक ही वर्ड गूंजता था और उस वर्ड जो था सो सयोनारा था। दैट मीन्स गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। The impression was intensified perhaps because it was the one word of Japanese I understood sayonara. The narrator is telling I know the meaning of sayonara because it was the one word of Japanese. I understood sayonara and it means goodbye to all of you. I was to hear it again. The narrator is telling
narrator is telling that I want to hear it again, this kind of sound, this kind of voice once again heard by the narrator all along our trip home. For we crossed Japan by train from the southern tip to Yokohama, where we boarded the boat for America. और फॉर वी क्रॉस्ड जापान, जैसे ही हमने जापान में ट्रेन के द्वारा क्रॉसिंग कर रहे थे, फ्रॉम द सदर्न टिप टू याकोहामा, कहाँ के लिए? याकोहामा के लिए. दिस वॉज द सदर्न टिप फॉर अस, वेयर वी बोर्डेड, मतलब योकोहामा में हम लोगों को जो है सो अमेरिका जाने के लिए बोट पकड़ना था. दैट इज नोन एज बोर्डेड, द बोट फॉर अमेरिका. Sayonara, the clatter of wooden clocks along the station platform, the flutter of kimonos, babies jogging on their mother's backs, men carrying four or five small bundles tied up in different colored furski, old women knocking along with their sticks, their brown faces hidden under innermost roof like hats of a straw, a man sorting his wares. We leaned out of the window at one of these stations and motioned to a vendor for some tea. तो जब हम ट्रेन से सफर कर रहे थे, the clatter of wooden clocks along the station platform, the तो स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुँचती है तो बहुत ज़ोर से आवाज होने लगती है. द फ्लूटर ऑफ केमोनोज, बेबीज जॉगिंग ऑन देयर मदर्स बैक, बेबीज वगैरह जो है सो अपने मदर के बैक्स पर जॉगिंग कर रहे हैं. मेन कैरिंग फोर और फाइव स्मॉल बंडल्स टाइड अप इन डिफरेंट कलर्ड फॉरोस्की इज द नेम ऑफ थिंग्स, लोग बाग जो है सो डिफरेंट कलर के, डिफरेंट तरह के जो है सो फॉरोस्की जो है सो ढोते हैं. ओल्ड मैन नॉकिंग अलॉन्ग विद देयर स्टिक्स, वोमेन जो है सो अपने स्टिक्स के द्वारा नॉक करती हैं. देयर ब्राउन फेसेस हिडन अंडर इनर मोस्ट रूफ, और उनके जो ब्राउन फेसेस हैं वो इनर मोस्ट रूफ के नीचे छिपे से महसूस होते हैं. लाइक हैट्स ऑफ स्ट्रॉ, और किस तरह से, जैसे रूफ लाइक हैट्स ऑफ स्ट्रॉ. A man sorting his wares, we leaned out of the window at one of these station and motioned to a vendor for some tea. हम लोग जो है, the writer wants to express their views. We leaned out of the windows, मतलब हम windows से सट गए, चिपक गए. At one of these stations and motioned to a vendor for some tea. और वेंडर को देखने लगे. वेंडर किसको बोलते हैं? जो ट्रेन में या स्टेशन के ऊपर कुछ खाने पीने वाला सामान या कुछ अलग तरह का ही सामान जो सेल करते हैं उनको हम लोग वेंडर कहते हैं. फॉर सम टी, दैट मीन्स आई फील एंड आई रिक्वायर सम टी. ही पॉट आउट ऑफ हिज बिग टिन इनटू अ लिटिल ब्राउन क्ले टी पॉट लाइक अ चाइल्ड्स टॉय. उसने जो है सो एक क्ले टी पॉट, ब्राउन कलर की जो थी वह चाइल्ड के टॉय की तरह दिख रही थी, उसमें जो है सो उसने क्या किया, चाय को डाला. विद अ सॉसर फॉर अ लिड एंड एन इन्वर्टेड कप ऑन टॉप, सॉसर लिड के ऊपर एक सॉसर लगा हुआ था और उसके ऊपर में एक कप था. टू we shouted and signaled as the train jerked forward, starting to pull out. The vendor ran after us with another teapot and swinging from its wide handle and pushed it in our window. और फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन वहाँ से जैसे ही स्टार्ट हुई तो उस वेंडर ने क्या किया. टू वी शॉर्टेड, मतलब नरेटर ने आवाज़ दिया कि हमें दो चाहिए,
एंड सिंगल एज द ट्रेन जग फॉरवर्ड, इसी दरमियान सिंगल हो जाती है, मतलब लाइन क्लियर मिल जाता है ट्रेन को, ओके जग फॉरवर्ड आगे की तरफ ट्रेन बढ़ जाती है, स्टार्टिंग टू पुल आउट द वेंडर रैन आफ्टर अस, और वेंडर जो है सो हमारे पीछे दौड़ता है विद अनदर टी पॉट स्विंगिंग फ्रॉम इट्स वायर हैंडल एंड पुश्ड इट इन आवर विंडो, और दूसरा जो उसके पास टी पॉट होते हैं उसको लेकर के जो है सो हमारे पीछे दौड़ता है एंड पुश्ड इट इन आवर विंडो, और हमारे खिड़की के अंदर वह जो है सो धक्का दे करके जो है सो हमें वो टी देने का कोशिश करता है। दैट्स द स्टोरी ऑफ बिगनिंग स्टोरी ऑफ सियोनारा एंड आई मीन टू से वी हैव टू रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सियोनारा इन नेक्स्ट क्लास। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एंड आई मीन टू से यू विल हैव टू रीड इट एंड आफ्टर डैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ सियोनारा। ओके थैंक्स।